सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। तो जैसे आप लोग पता ही हो कि हमारा सीएस रैंक चेंज हो चुका है, बहुत दिन हो गया, बट मैं यहाँ पे पुशिंग बहुत कम कर रहा हूँ। एंड आप लोग को बता दूं कि मैं पुशिंग कर रहा हूँ, साथ ही साथ चैलेंज कर रहा हूँ, जो कि पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे, 9 करेक्टर स्किल था। एंड ये हमारा होने वाला है पिस्तौल चैलेंज, जो कि गाइस बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है कि सीएस रैंक में आपको फाइट करना होता है एंड सामने वाले प्लेयर के पास अच्छा गन रहेगा, मेरे पास पिस्तौल, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बट गाइस वो करने वाला हूँ। एंड आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, ऐसे दिखाओ एंड आप लोग शेयर भी कर दो। बाय द वे, जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी कर देना। तो भाई लोग, यहाँ पे मैं ना स्टार्ट करता हूँ मैच, जो कि रैंडम प्लेयर के साथ स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे देखो, मेरे पास पिस्तौल है एंड फर्स्ट राउंड में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भाई सबके पास पिस्तौल होने वाला है, जो फाइट अच्छा खासा होने वाला है। एंड देखते तो मेरा फ्रेंड यहाँ पे एक डाउन हुआ था, उधर तीन डाउन हो गया था, लेकिन एक रिवाइव हो गया, बट कोई बात नहीं है, हमारा फ्रेंड तीन है तो जल्दी से एक को और बचा लेते हैं। एंड अब यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला फाइट होने वाला है, क्योंकि उस साइड किधर है आई डोंट नो। एंड हमारे पूरे चारों बंदे जिंदा हो गया था, लेकिन एक फ्रेंड और डाउन हो गया, जो कि यहाँ पे बंदा था एंड काफी डैमेज दिया, बट हाँ मेरा यहाँ पे किल चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पे सामने प्लेयर था, इसको काफी डैमेज दिया बट वो निकल ही रहा था। और देखते थे ये हमारा राउंड पूरा क्लियर हो जाता है। अब देखो, फर्स्ट राउंड तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड हुआ हमारा वही टेंशन बढ़ गया, क्योंकि मेरे को फाइट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा फ्रेंड काफी अच्छा खासा फाइट ले रहा था एंड देखते थे पूरा राउंड ही निकाल लिया मेरे आने से पहले। हाँ ये मेरा एडवांटेज तो सही है, बट कोई ठीक नहीं भाई, कभी भी मेरा फ्रेंड सब मर सकते हैं, मेरे को ये फाइट लेना पड़ेगा। तो अभी तो सही जा रहा राउंड, देखता हूँ कब तक जाएगा। एंड मेरे को यहाँ पे पिस्तौल जीएटी नहीं चलाना है पूरे मैच में। अब इस वाले राउंड में जैसे ही उधर वाला प्लेयर एक मर जाता, मेरे को लगता है रश करना चाहिए एंड रश भी किया, लेकिन उधर प्लेयर कितना डैमेज दिया मेरे को, तो जल्दी से मेरे को पीछे भागना पड़ा। एंड देखते ही तो मेरा फ्रेंड भी उधर डाउन हो जाता, तो मेरे को लगता है चलो अब भाई सिचुएशन हैंडल करने का ऑप्शन नहीं था। एंड उधर का जैसे एक प्लेयर डाउन हो गया, मेरे को लगता है हो जाएगा, लेकिन भाई पीछे से मेरे को एक बंदा मार दिया एंड डाउन कर दिया। तो भाई यहाँ पे मुश्किल होने वाला था, लेकिन मेरा फ्रेंड एक को डाउन कर दिया, तो मेरे को लगता है चलो अब निकाल लेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें भाई 1v2 करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अभी तो फिलहाल के लिए सब रश करने जा रहे हैं एंड सामने प्लेयर था, तो ये तो अभी मार दिया इसको एंड 2v1 का हो जाता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, शायद निकाल सकते हैं। वही देखते थे सामने जाते हैं एंड देखो सामने प्लेयर था जिसको काफी अच्छा खासा हेड देकर यहाँ पे हमारा राउंड निकल जाता है एंड भाई यहाँ पे हमारा 3-0 का स्क्वायर हो जाता है। अब ये हमारे लिए लकी होने वाला था राउंड, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक राउंड खेलने के बाद फर्स्ट मैच बुआ जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा फ्रेंड मर गया एंड इधर वाले प्लेयर को मैं डैमेज उतना चाह बट लगा नहीं, मौको कारण से दिखा था, बट यहाँ पे देखो मेरे को लगता सामने आना चाहिए एंड यहाँ पे ड्रॉप कोई चार्ज नहीं कर रहा था, तो मेरे को लगता चलो सामने और जाना चाहिए। एक उधर का डाउन करने के बाद मेरे को लगता 3v3 है एंड मैं माना चाहूँ यहाँ पे देखो भाई सामने प्लेयर था एंड यहाँ पे एक मेडिकेट करा था, काफी डैमेज देखो, फर्स्ट टाइम मैंने डाउन किया जीएटी से एंड डाउन करने के बाद जल्दी से फिनिश भी लूंगा, लेकिन यहाँ पे प्लेयर था एंड मेरा फ्रेंड को देखो यहाँ पे कितना गलत तरीके से डाउन किया और काफी अच्छी तरह से मार रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैंने बोया निकाल लिया एंड भाई इम्पॉसिबल यहाँ पे था, बट बोया निकाल लिया एंड फर्स्ट मैच बोया होने के बाद थोड़ा सा तो कॉम्पिटिशन हमारा बढ़ जाता है। वैसे ही करते करते हमारा हीरोइक 4 स्टार लगते हैं एंड 5 स्टार भी लगता है और देखते थे हमारा 6 स्टार भी इसमें लग जाता है और ये हमारा प्लस होता है इस वाले मैच का, जो अभी आप लोगों को प्ले दिखाया। और हाँ, 4, 5, 6 जो प्लस हुआ उसके बीच में मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, जिसके कारण आप लोगों को नहीं दिखा पाया एंड आप लोग समझ सकते हो। हाँ भाई, कोई भी चीटिंग नहीं हो रहा है इस वाले गेम में, आप लोग फुल गेम दिखाने वाला हूं, तो आप लोग फुल वीडियो में बने रहो एंड को पता चल जाने वाले भाई पिस्तौल से भी कैसे गेम प्ले होता है। अब इस वाले मैच में जो कि फर्स्ट राउंड होता है एंड भाई फर्स्ट राउंड में ही फाइट लेने का मेरे को मौका है, जो सामने प्लेयर था एंड काफी डैमेज दिया मेरे को, तो मेरा डाउन होगा, लेकिन मेरा फ्रेंड ने किल चोरी कर लिया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे किल की बात नहीं, यहाँ पे जल्दी फिनिश लिया एंड मेरा फ्रेंड किसी ने डाउन कर दिया। बट देखते ही देखते मेरे को पता चला सामने प्लेयर था जिसको मैं डैमेज देना चाह, बट भाई वो देखो मेरे को काफी डैमेज दे दिया एंड मेरे को शॉटगन से मारा था, तो देखते ही मेरा फ्रेंड ने उसको डाउन कर दिया एंड यहाँ पे बस एक प्लेयर बाकी रह गया था उधर का, लेकिन देखते तो उधर 2 प्लेयर बाकी रह गया, तो मैं मैडी वैडी करके फिर रश कर दिया सामने। अब लास्ट जोन हो गया था एंड हमारा 3 प्लेयर था, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, यहाँ पे इसके पास कटाना था बट ये नहीं मार पाया, मैं उसको डाउन कर दिया एंड देखते थे ये हमारा राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड राउंड में उसके पास अच्छा गन हो जाता है, मेरे पास पिस्तौल ही रहेगा जो मैं रस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक प्लेयर को काफी मैंने डैमेज दे दिया एंड तसुआ का यूज करते हुए ये यहाँ पे मैडगेट कर रहा था, लेकिन इसको डाउन कर दिया। अब डाउन तो कर दिया, लेकिन फिनिश करने के टाइम में पीछे बंदे थे, बट इसको फिनिश ले लिया एंड भाई काफी मेरे को डैमेज दिया, बट यहाँ पे मैं कवर में आके थोड़ा सा कवर में आ गया एंड मेरा फ्रेंड जैसे वो अंदर डाउन किया, तो मेरे को लगता चलो रस करना चाहिए एंड वैसे ही मैं रस करता भी हूँ, लेकिन यहाँ कोई प्लेयर नहीं होता है, तो अभी तो फिलहाल के मैं सामने जा रहा था एंड मेरा फ्रेंड सब रश करा सामने, तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा चारों प्लेयर जिंदे हैं, उधर का 2 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइट ले सकते हैं। तो अभी तो सामने प्लेयर था एंड मेरे को लगता भाई हेड मार सकते हैं, लेकिन मेरा फ्रेंड जैसे रश किया एंड एक को डाउन किया, देखते थे यहाँ पे हमारा राउंड फिनिश हो जाता है, भाई 2 राउंड हमारा हो जाता है। अब इस वाले राउंड में जो कि मेरा 2 फ्रेंड मर चुका था एंड उधर एक ही मरा था एंड मेरे पास पिस्तौल है, जो कि आप लोगों को पता है एंड मेरे पे रश करा था बंदा, तो अभी फिलहाल के मैं कवर में आ गया एंड मेरा फ्रेंड किधर है आई डोंट नो, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरे पे रश कर दिया, इतना तो पता चल गया था एंड
दसवां करेक्टर ऑन करके मैं पीछे आया, लेकिन वो परिंदा रस्सी किया और मेरे को हेड देखे, उसका सोनिया एक्टिव हो गया और देखते वो डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे डिमिट्री के कारण वो रिवाइव हो रहा था, और मेरे को लगा चलो उसको फिनिश कर लेना चाहिए। एंड दे उसको फिर से मैंने डाउन किया, लेकिन फिर से फिनिश लेने के चक्कर में और मैं यहाँ पे मर गया, और इस वाले राउंड हम हार जाते हैं। अब देखते थे हमारा दो दो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो गया था। उधर तो तीन प्लेयर था और देखते दो प्लेयर हो गया, और मेरे पास तो आप लोगों को पता है कि पिस्तौल है जो कि मैं नहीं मार पाता बंदे को। लेकिन देखो मेरा दो फ्रेंड मर जाते हैं, एक ही फ्रेंड बाकी रहते हैं। एंड बोल देता हूँ भाई वो अच्छे से खेलना, क्योंकि मेरे पास पिस्तौल है, मैं ऐसे नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन मैं काफी अच्छा खासा डैमेज दिया, एंड मैं अपना फ्रेंड को बोलता हूँ जैसे रस करो। एंड जैसे ही वो रस किया, मैं काफी डैमेज देना चाहूँ, मैं ग्रेनेड ही कुक करा था, लेकिन मेरा फ्रेंड मार दिया। और हाँ, ग्रेनेड अलाउड है, तो ग्रेनेड में कर सकता हूँ, ये आप लोगों को बताना, भूल गया तो आप लोग ये याद रखना। अब ये हमारे लिए लास्ट राउंड होने वाला था, अगर यहाँ पे वो हार जाते हम लोग बहुत ही गलत सीन होने वाला। लेकिन मैंने को डाउन ही किया, एंड लास्ट प्लेयर बाकी था, तो आप लोगों को पता है मैं ग्रेनेड यहाँ पे करने वाला था, लेकिन मेरे पास ग्रेनेड था। एंड कुक करने चाहा और मेरा फ्रेंड उधर से आया था रस करने के लिए, और जैसे मैं कुक करा भाई, लेकिन उसने पहले ही मार दिया, और हमारा यहाँ पे फाइनली बोया हो जाता है। अब यहाँ पे मैं नॉन स्टॉप हार ही नहीं रहा था, आप मेरे को लक भी बोल सकते हो, मेरा लक यहाँ पे बहुत अच्छा खासा साथ दे रहा था, और पांच का स्ट्रीक के साथ मैं यहाँ पे बोया लिया था। अब इस वाले मैच में जो कि हमारा फ्रेंड एक डाउन हो गया था, लेकिन उधर वाला प्लेयर डाउन हो गया था। और यहाँ पे मैं देखो साइबर मशरूम का कितना ही ज्यादा हेल्पफुल यूज करता हूँ, मेरा कितना कम डैमेज हो गया था, लेकिन प्लेयर को हेड ही मारा, एंड देखते थे डाउन भी कर दिया, फिनिश कर दिया, मेरे को कुछ नहीं कर पाया। एंड ये हमारा राउंड बहुत ही अच्छे खासा निकल जाता है। अब इस वाले राउंड में जो कि मेरे को यहाँ पे डबल यूएस भी मिलता है, क्योंकि जेटिन नहीं था। एंड देखो यहाँ पे मैंने ग्रेनेड किया और सामने प्लेयर था, तो मेरे को लगता पक्का रस करना चाहिए, एंड रस ही किया, लेकिन यहाँ पे दो प्लेयर मार के मेरे को डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद ये वाला राउंड ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, लेकिन कुछ कहने सकते मेरा फ्रेंड एक को डाउन कर दिया। एंड देखते थे ये तो रस कर रहा था, बाय द वे यहाँ पे वो सब प्लेयर कितना गंदा वाला रस कर रहा, तो अभी तो एक को फिनिश कर दिया। एंड देखो एक को डाउन कर दिया, और मेरे को लगा चलो राउंड हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना गलत सीन होता है, इसको डाउन कर दिया। एंड ये डाउन तो हो गया, एंड मेरा फ्रेंड तीसरा फ्रेंड आता था जो कि और एक को डाउन करता है यहाँ पे, एंड उधर वाला प्लेयर एक और रिवाइव हो गया। अब रिवाइव होने जाने के बाद ये अपने आप को पैक कर ले, यही सबसे बड़ा गलती इसने किया था, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों नहीं तीनों फ्रेंड को रिवाइव दे दिया था, और ये अकेला पड़ गया, और ये सब अपना गुलाल फोड़ के वो निकल गया। तो इसे लगता है नहीं निकल पाएगा, लेकिन निकल जाने के बाद इसको मारने वाला है, ये तो डैमेज दिया बट कुछ फायदा नहीं हुआ, इसको काफी अच्छा खासा मतलब डैमेज देके एंड फिनिश कर दिया, और ये हम राउंड हार जाते हैं। अब इस वाले राउंड में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बंदे आ गए थे, और भाई बंदे इतने गंदे मार रहे थे, मतलब देखो मेरा फ्रेंड को डाउन कर दिया, देखते थे मेरे को कितना डैमेज दे दिया। तो मैं अभी फिलहाल के लिए कवर में आ गया, एंड मेडिकेट करने लगा, लेकिन मेरा फ्रेंड सब एक ही करके डाउन एंड फिनिश हो रहा था, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। एंड मेरा फ्रेंड सब देखो वहाँ पे डिमिट्री ऑन किया, मेरे को कितना वाला गंदे मतलब मेरे को देखा नहीं था, अचानक उनको मार दिया, एंड 1-2 का यहाँ पे सिचुएशन हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले राउंड में हमें घेर लिया था भाई दोनों तरफ से, लेकिन यहाँ पे मेरा फ्रेंड बहुत ही कमाल का चीज करता है, ये ग्रेनेड करके एक को डाउन करते हैं, एंड हमारा भाई क्लियर हो जाता रास्ता, तो फटाफट जाते सामने एंड इसको फिनिश लेते हैं। यहाँ पे तीन बंदे उधर बाकी रहते हैं, तो हमें लगता है चलो ये राउंड निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गलत सीन होता है। हमारा फ्रेंड देखो उसको साइबर ड्रॉप चार्ज करने देते हैं, एंड यही सबसे बड़ा गलती होता है उसका, देखो दो एयर ड्रॉप चार्ज हो गया, एंड हमारा एक भी, अब उससे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हमारे लिए हो गया, लेकिन मेरा फ्रेंड को एक डाउन कर दिया, एंड 3v3 क्या हो गया था, और मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा, एंड लिटरली मेरा पिस्तौल ही था, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। और देखते थे वो सब रस कर दिया, एंड मेरे को लगता चलो बाहर से मारना चाहिए, तो बाहर में बंदे नहीं थे, एंड अंदर दोनों आ गया था जो कि यहीं पे था बंदा, एंड मेरे को लगता चलो इस पे रस करना चाहिए, और लिटरली उसको हेड तो दिया बट उसको ओरियन था, और ओरियन यूज कर लिया, एंड काफी डैमेज दे रहा, बट भाई मेरे को यहाँ पे डैमेज नहीं खाना है, क्योंकि मेरे को एक बार मारने के बाद डाउन कर देगा, मेरा फ्रेंड ने मार दिया फाइनली, और यहाँ पे 2-2 का सीजन हो जाता है। अब देखते थे ये वाला राउंड तक हम लोग तीन राउंड कर लिए थे, एंड भाई इस वाले राउंड में हम लोग को हारना नहीं था, तो देखो मैं तो रस करने जाता हूँ, लेकिन मेरे पास पिस्तौल होने के कारण एक को डाउन करता हूँ, बट डाउन मैं नहीं करता, मेरा फ्रेंड डाउन करता है, मेरे पे तो रस कर रहा था, एंड काफी डैमेज दिया, मैं तत्सुआ को यूज करके मैं सामने निकला, लेकिन यहाँ पे देखना मेरा फ्रेंड भी मतलब सही है, वो रस कर रहा था, लेकिन मेरे पे यहाँ पे रस कर दिया, काफी डैमेज दिया, बट मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे मेरा फ्रेंड डाउन हो गया, एंड मेरा फ्रेंड इस पे रस किया ना, मेरे को लगता रस करना चाहिए, एंड रस तो किया, लेकिन वो ऑर्गन यूज कर लिया, तो भाई यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाला था, एंड काफी मेरे को डैमेज दिया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये तो डाउन हो गया, एंड 3v2 का सीजन हो गया था, लेकिन ऊपर से मेरे को डैमेज देके डाउन कर दिया, डाउन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को डिमिट्री ऑन करके बचा लिया गया, एंड नीचे से एक फ्रेंड था जिसको डाउन कर दिया, एंड इसको एंड ऊपर एक लास्ट था, तो भाई यहाँ पे लगता चलो हमारा बोया होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता, और फाइनली हमारा यहाँ पे बोया हो गया, एंड ये हमारा भाई फाइनल राउंड था, एंड हमारा यहाँ पे 10 स्टार भी हो चुका है। और हाँ, काफी मेरे को प्लस करने में मजा आया, क्योंकि भाई 7 मैच तक मेरे को लक इतना साथ दिया, मतलब कि रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा था, लेकिन भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर आ रहे थे, जिसके कारण मेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा था, मतलब ऑटोमेटिक बोया हो रहा था। तो भाई आप लोगों को जिसको वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ जो भी डिफिकल्ट सोचते भाई हाँ नहीं हो पाएगा, तो मैं पिस्तौल से जब खेल सकता हूँ 10 स्टार प्लस कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग ट्राई करो एंड प्लस करो। तो आप लोग कमेंट ये भी कर देना कि हाँ भाई क्या चैलेंज करना है नहीं करना है, एंड जिसको वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर ही देना। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।